गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आरके सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं रीजनिंग प्लेटफॉर्म 2500 प्लस मैथ का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी को 100 तक का पूरा सॉल्यूशन करवा दिया जा चुका है। जो अभी तक नहीं स्टार्ट किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप जरूर देखिए। इससे पहले आप सभी को पता होगा प्रीवियस मैथ का प्लेटफॉर्म का सबसे पहले तो वॉल्यूम 2 2700 प्लस मैथ को पूरा सॉल्यूशन करवा चुका हूं, एक से लेकर 2722 तक का एक एक क्वेश्चन का, उसको देखिए। और उसके बाद मैं ये वॉल्यूम 1 प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का भी सॉल्यूशन करवा रहा हूं। तो लगातार आप तैयारी करते रहिए ताकि एग्जाम के पहले बेस्ट तैयारी हो। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास 101 से लगातार देखिए। यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करें। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। आपको क्वेश्चन ऑप्शन दिखेगा, मिला दे चलना है। फिर से आ गया कथन तर्क, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन है, कथन और तर्क। तो कथन पढ़ते हैं, क्या कॉलोनियों में घूमने वाले कुत्ते होने चाहिए, पूछा जा रहा। अब हां और नहीं में तर्क देना है। पहला तर्क, हाँ वे स्वतंत्र और अहिंसक होते हैं, कभी कभी जब उनकी आबादी बढ़ती है तो नगर पालिका उन्हें पकड़ लेती है। यदि आप शहरों में रहते होंगे तो आप देखते होंगे जब गलियों में कुत्ता ज्यादा बढ़ जाता है तो नगर पालिका वाले उसे पकड़ के ले जाते हैं। ये तो अभी तक सही लग रहा है, लेकिन आगे देखिए, हो सकता है इससे मजबूत हो या तो दोनों भी हो सकता है। कहता नहीं, यह सिद्ध हो चुका है कि वे खतरनाक होते हैं। अब एक एक स्तर पर दोनों सही, जैसे बाहर में घूमने वाले कुत्ते कभी कभी बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों को हानि भी पहुंचा देते हैं, बच्चों को। इस प्रकार से आप यहां देखा जाए तो दोनों के दोनों कथन अपने जगह पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। तो यहां पे हो जाएगा, लेकिन देखिए तर्क में अभी तक आप जितना प्रॉब्लम पीछे बनाए होंगे उसमें निश्चित रूप से ज्यादा हाँ वाला सही हो रहा था, कभी कभी नहीं वाला, लेकिन एक ही तर्क अभी तक सही हुआ था। एकाक क्वेश्चन है जो ज्यादा कंफ्यूज कर देता है, इसलिए मैं बोलता हूं कि ये सब कथन निष्कर्ष, कथन अवधारणा, कथन तर्क, ये सब क्वेश्चन पे फुल कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके नजरों से गुजरना चाहिए। इसलिए आप रेगुलर इसका सॉल्यूशन जारी रखिए, खास करके ये सब क्वेश्चन तो बिल्कुल स्किप नहीं करिए, बार बार देखिए। तो यहाँ पे पहला बात है, हाँ भी स्वतंत्र और अहिंसक होते हैं, कभी कभी जब आबादी बढ़ जाती है तो नगर पालिका उन्हें पकड़ लेती है, सही बात है। नहीं, यह सिद्ध हो चुका है कि वे खतरनाक है, जब नहीं होने के बाद है तो खतरनाक की बात कर रहा है इसलिए नहीं, और हाँ की बात है तो वे अहिंसक होने की बात कर रहा है इसलिए दोनों अपने स्थान पे सही हैं। तो जब अहिंसक रहेगा ना, कोई को नुकसान पहुंचाएगा तो हाँ रहने दिया जाए, जब खतरनाक हो गया तो नहीं, मतलब नहीं रहने दिया जाए। इसलिए इस स्तर पर दोनों तर्क मजबूत है, एक और दो दोनों मजबूत है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 फटाफट कह रहा, 6 है 18 है 54 है 162 है, वाह है। तो देखते ही आपको लग रहा होगा 6 तिहाई 18 18 तिहाई 54 54 तिहाई 162 162 तिहाई, तो 2 तिहाई 6 के 6 बचा कितना, 2 गुना कर देते हैं, 2 तिहाई 6 6 तिहाई 18 के 8 बचा 1 3 का 3 और 4 486 आएगा, 3 से गुना करेंगे तो ऑप्शन मिला लीजिए 486, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 आपको दिख रहा है क्वेश्चन, यहां पे देखिए प्रश्न आकृति है, आप देख रहे हैं कि वर्ग है उसमें क्रॉस टाइप का दिया हुआ है, फिर वृत्त है उसमें क्रॉस है, फिर त्रिभुज है उसमें क्रॉस है। आगे चलिए, आगे पहले वृत्त आ गया है उसमें प्लस टाइप का क्रॉस है, प्लस है, फिर त्रिभुज है, फिर प्लस है, और फिर डायरेक्ट प्लस दे दिया जबकि छूट गया, यहां पर वर्ग में ही प्लस होना चाहिए। पहला लाइन में भी आपका वर्ग है, वृत्त है, त्रिभुज है, सब में क्रॉस है, दूसरा लाइन में भी वृत्त है, त्रिभुज है और वर्ग है, मतलब वही चीज दोनों में है लेकिन उलट पुलट के, उसके बाद प्लस है। तो तीसरा लाइन में जो ये दिया हुआ है कि त्रिभुज है वर्ग है, तो निश्चित है जहां पर भाग है वहां पर वृत्ति होगा क्योंकि वृत्ति का है, लेकिन सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन है, तो यहां भी सिंगल लाइन होनी चाहिए। तो देख लीजिए ये वाला फिगर किस ऑप्शन में है, पहले आकृति में, आकृति तो सी में है, आकृति आपका सी में है, लेकिन पूछ रहा है क्या ऑप्शन, तो ऑप्शन भी सी में ही दिया है, ठीक है ना। ऑप्शन चेंज हो सकता है, ऑनलाइन एग्जाम देते हो आपको ध्यान रखना, हो सकता है आकृति सी है, आकृति सी है, ऑप्शन हो सकता है डी दे दे, ए दे दे, लेकिन यहां सी ऑप्शन भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 देखिए,
मजेदार क्वेश्चन, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त है। बहुत सारे क्वेश्चन पिछला बार ऐसा पूछा गया, मतलब उत्तर ज्ञात नहीं करना है लेकिन उस उत्तर को लाने के लिए कौन से कथन पर्याप्त है। तो पहला कथन है, पहले प्रश्न क्या है, यदि कक्षा में कुछ लड़के कुछ लड़कियां तो ज्ञात करें विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या मतलब लड़का लड़की मिला के हम सभी को प्राप्त करना है टोटल बताइए। तो देखते हैं पहला कथन, कक्षा में लड़कों की संख्या। चलो भाई यहाँ को केवल लड़कों की संख्या पता चला है, कितना है 10। दूसरा में है कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, लड़कियों की संख्या जो है लड़का से दुगना, तो लड़का 10 है तो 10 × 20 तो टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएगा 10 लड़का 20 लड़की मिला के कितना हो गया 30। यानी कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करने के लिए पहला भी जरूरी है और दूसरा भी जरूरी है, क्योंकि पहला के आधार पर ही लड़का की संख्या का दुगना लड़की, उसी आधार पर दूसरा भी है, तो यहाँ पे दोनों कथन जरूरी है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, दोनों कथन 1 और 2 पर्याप्त है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमम क्वेश्चन में स्टिक मारने वाला है, पढ़ पढ़ के दो तर्क 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 दिया हुआ है यहाँ पर भी। तो पहले कथन पढ़ लेते हैं, क्या प्रगतिशील देशों में आयकर को हटा देना चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है। क्या प्रगतिशील मतलब या तो विकासशील कर सकते हैं जो विकास हो रहा है जैसे अपना देश भारत, तो प्रगतिशील देशों में आयकर हटा देना चाहिए। अब आप आइए, आप जिस आधार पे आपके पास नॉलेज है उस आधार पे आपको तर्क जो शक्तिशाली तर्क है वो देना है। हाँ, यह अधिक कमाने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए, किसी भी देश का सबसे बड़ा आय का स्रोत, एक राजस्व का सबसे बड़ा स्रोतों में से एक आयकर भी है, तभी हमारा देश संचालित हो सकता है। तो पहला तो अभी तक सही होने की संभावना नहीं, यही बोला है कि हाँ आयकर को हटा देना चाहिए, अधिक कमाने के लिए प्रेरित, लोग सिर्फ अधिक कमाए, जब देश के लिए योगदान ही नहीं करेगा तो आगे नहीं, मनुष्य को दूसरे मनुष्य की उन्नति के लिए अपनी संपत्ति से योगदान देना सीखना होगा। ये वाला सही है आपका, ये ज्यादा शक्तिशाली तर्क है, मैंने पहला के अनुसार दूसरा है जो सही होना चाहिए, क्योंकि जब तक टैक्स नहीं लोग भरेंगे देश का डेवलपमेंट या जो पिछड़े हुए वर्ग के मनुष्य है उनका डेवलपमेंट मुश्किल है। तो ये तर्क मजबूत है, यानी कि दूसरा मजबूत है, तो केवल तर्क 2 मजबूत है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 देख लीजिए, कह रहा वाई है, डब्ल्यू है, यू है, एस है, वाट है, ओ है। आपको पता है जब भी आता है ऐसा बताते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में 1 से लेकर 0 तक कोड एकदम डायरेक्ट याद रहना चाहिए आपको। जैसे कोई आई बोले तो आप 9 सुनिए, डब्ल्यू बोले तो 23, यू बोले तो 21, पी बोले तो 16, एकदम डायरेक्ट, जे बोले तो 10, के बोले तो 11, यहाँ वाई 25 है, 23 हो गया, डब्ल्यू 23, 2 कम गया, फिर 21 2 कम गया, फिर 19 2 कम गया, तो निश्चित है 2 कमेगा तो 17 होगा, यानी क्यू, क्यू 17 में 2 कमेगा 15 होता, यानी यहाँ पर वाट का स्थान पे क्यू होना चाहिए, क्यू दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 देख लीजिए, पीछे भी आया था, अगर पूरब उत्तर पूरब बन जाता है तो उत्तर क्या होगा, देख लीजिए ऐसे करके मैंने आपको डायरेक्शन से दर्शाया था, ये ऊपर उत्तर होता है नीचे दक्षिण। मैप में वैसे तो हम लोग पूरा पश्चिम, जिधर सूर्योदय होता है उधर मुंह करके खड़ा हो जाता है, पूरब हो गया, बैक साइड में पश्चिम हो गया, राइट हैंड दक्षिण और लेफ्ट हैंड उत्तर, लेकिन मैप में जो हम पढ़ते हैं ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, राइट पूरब लेफ्ट पश्चिम, ये ऊपर है इसलिए उत्तर और दाएं है इसलिए पूरब, ये नीचे इसलिए दक्षिण, दाएं है इसलिए दक्षिण पूरब, ये नीचे इसलिए दक्षिण, बाएं इसलिए पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम, ये इमेज आपके माइंड में फिट रहना चाहिए, तब आप बिना इमेज बनाए भी बना सकते हैं। अगर पूरब उत्तर पूरब बन जाए, देखिए ये पूरब है, ये उत्तर पूरब बन गया, तो उत्तर पूरब यही ना है, तो पूरब था जो उत्तर पूरब बन गया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा, ऐसे उल्टा होता है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा, तो एंटी क्लॉकवाइज ये घर घूम गया है। पूरब उत्तर पूरब कब बनेगा, जब एक घर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो पूछ रहा है उत्तर क्या होगा, तो बोले सर उत्तर को भी एक घर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जैसे घुमा है तो एक घर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, यानी पूरा उत्तर पूरा हो गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर कुछ भी लिख सकता है, तो उत्तर पश्चिम दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 देख लीजिए, मिरर वाला क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं कि समतल दर्पण में, यहाँ एमएन एक दर्पण है, दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा।
हम सभी जानते हैं ये है ऐसे करके, ये दर्पण है। हम सभी जानते हैं कि दर्पण में लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, मतलब ये सीधा हो जाएगा, बाकी तो जो डिजाइन बना हुआ है ही। तो देखिए एक ही ऑप्शन में ऐसा है, आपका ऑप्शन सी है, मतलब आकृति सी है, लेकिन सी ऑप्शन बी में दिया गया है, यानी आकृति पूछेगा तो सी, और ऑप्शन हो गया हम लोग का बी, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, निम्न के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बेन आरेख चुने, बर्तन, फर्नीचर, कपड़े। ये तो तीनों डिफरेंट हो जाता है, बर्तन अलग है, फर्नीचर अलग है, कपड़े अलग है, बर्तन अलग है, फर्नीचर अलग है और कपड़े अलग है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो यही वाला ग्राफ बनेगा, डायग्राम बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लीजिए उसी प्रकार से। उभयचर कछुआ मगरमच्छ, तो उभयचर किसे कहते हैं? वह जंतु, वह प्राणी जो जल में भी हो और थल पर भी विचरण करे, जो जल में भी विचरण करे थल पर भी, उसको उभयचर कहते हैं। मेंढक हो गया, कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, तो दोनों उभयचर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कछुआ अलग है, मगरमच्छ अलग है, तो यही वाला होगा उभयचर कछुआ और मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 देखो, ये तो आपको फिगर से मिलाना है, लेकिन इसका पीछे में आंसर गलत दे दिया है, इसलिए मैं आपको सीधा करके बताया था। देख लीजिए यहां से शुरू किया है, यहां से ये देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से है, ये फिगर ऐसे है, और हूबहू यही चीज यहां पर भी है, इस प्रकार से है, एकदम हूबहू सेम। तो निश्चित है नीचे जो दिया रहेगा लेफ्ट में यहां पे बाट है उसी अनुसार, लेकिन ये दिया हुआ कैसे है, यहां से गया है यहां और फिर लास्ट में इस एंगल पे लाके मिलाया है, तो हम लोग भी यहां से शुरू करेंगे, यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे और यहां पे मिलाएंगे, तो इसको देखिए यहां से शुरू करके इस एंगल को यहां पर मिलाएंगे, ये जो एक्स्ट्रा दिया है, तो ये एक्स्ट्रा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और वो है ऑप्शन ए, आकृति ए में, आकृति ए को देखिए और इसको देखिए, और आकृति ए दिया गया है किसमें, बी में, तो एक्चुअल में हम लोग का आंसर आकृति ए होगा और ऑप्शन बी होगा, लेकिन गलती से आकृति सी और ऑप्शन डी दे दिया है, जबकि मिलता ही है, यदि ये वाला नहीं रहेगा ये नीचे वाला लाइन, तब भले वैसा हो सकता है, जबकि आप देख रहे हैं कि प्रश्न आकृति में ये नीचे वाला लाइन दिया हुआ है, तो इस अनुसार से हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन बी, जो गलत रहेगा मैं पूरा प्रयास करूंगा सुधारने का, हो सकता है हमसे भी कुछ गलत हो, लेकिन यहाँ पे आप लोग का आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 देख लो, पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए, मतलब एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए, मान लिया जाए ब्लड रिलेशन तब आसान से बनता है जब पंकज की जगह अपने आप को रख के देखो, तब मजा आएगा। पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वाह वाह, मतलब आदमी मेरे चाचा की बेटी का भाई, तो चाचा की बेटी चचेरी बहन, और चचेरी बहन के भाई चचेरा भाई, तो यही बोल रहा है यह आदमी पंकज से किस प्रकार संबंधित है, तो चचेरा भाई हो जाएगा, और क्या, चाचा के बेटी मतलब तब बहन होगी, चचेरी बहन और उसका भाई, तो चचेरा भाई, ज्यादा इसमें लिखने की कोई जरूरत ही नहीं करा, ये तो ऐसे ही बस ब्लड रिलेशन जो है सिर्फ अपने ही रिलेशन में आप घुमा के देखो तो आपको मजा आएगा, चचेरा भाई ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, तो फिगर दिख रहा है इसमें बनाने की जरूरत ही नहीं, फिगर से छापना है, एक भिन्न आकृति को चुने, तो आप ए बी सी डी चारों आकृति को देखिएगा तो बी सी और डी लगभग सेम है, देखिए सबके जो तीसरा कोना पर है वो एक त्रिभुज टाइप का बना हुआ है और सब लंबवत दर्शाया गया है, ठीक है ना, और तीर का निशान उसी प्रकार से दर्शाया गया है, लेकिन आप देख लीजिए ए को, देख लीजिए ए को, देखिएगा कि ये वाला जो है सबका एंगल पर है और यहाँ पे ई वाला गायब है, यहाँ पे ऐसे है ही नहीं, सिर्फ तीर इधर है, इधर तो है, लेकिन यहाँ पे जो होना चाहिए यहाँ पे इस प्रकार से करके, इस प्रकार से ये इसमें गायब है और बाकी सब में इसको दर्शाया गया है, तो सबसे डिफरेंट आपको आकृति ए लग रहा है और आकृति ए दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 फिर से फिगर में, आपको 60% क्वेश्चन फिगर से ही छापना रह जाएगा, तो प्रैक्टिस रहेगा तो आपका समय बहुत बचाएगा। रीजनिंग कहता है इन चार में से तीन किसी खास प्रणाली में समांतर है, मतलब समान है, एक आकृति किसी भिन्न किसी भी तरह से तीनों समान नहीं है, बाकी बची भिन्न आकृति को चुने, तो देखिए पहला
ए आकृति को देखिए या तो बाहर भी त्रिभुज है, अंदर है जो पूरा ब्लैक त्रिभुज है। बी को देखिए या तो वृत्त है, अंदर भी वृत्त है। सी को वर्ग है, अंदर भी वर्ग है। लेकिन डी में देखिए बाहर में षष्ठभुज है, अंदर में चतुर्भुज है। तो सबसे डिफरेंस हो गया आपका आकृति डी, लेकिन आकृति डी है किसमें, सी में है। तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 तो आपसे बन ही सकता है, सिर्फ आपको क्या करना है चिन्ह बदल देना है। एल का मतलब प्लस, एम का मतलब माइनस, एन का मतलब गुना, पी का मतलब भागा। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पहले मैं पीछे वीडियो में सॉल्यूशन करवा चुका हूं, आप कैलकुलेशन तो जानते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 देख लो, धातु सोना प्लेटिनम। तो हम सभी जानते हैं कि धातु जो है दोनों है, लेकिन सोना अलग है प्लेटिनम अलग है, सोना अलग है प्लेटिनम अलग है। ऐसा आकृति ऐसा डायग्राम कौन बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 देख लीजिए, दिए गए विकल्पों में श्रृंखला के लुप्त पदों को भरिए। क्या है, 8 है, 11 है, 16 है, 23 है, 32 है, 8 है। देखिए 8 3 11, 11 5 16, 16 7 23, और 23 और 9 32। तो अभी 11 जोड़ेंगे, 32 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43। ऑप्शन से मिला लीजिए, वाट का मान 43 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 देख लो फिर से, ब्लड रिलेशन। श्रीलेखा के भाई की इकलौती बहन के पिता की बहन उससे किस प्रकार संबंधित है। आप समझिए, कोई भी लड़की यदि इकलौता किसी के साथ होता है प्रयोग शब्द का, तो वो स्वयं ही होता है। जैसे मेरे इकलौती बहन, तो मेरी एकमात्र बहन, या मेरे बहन के इकलौता भाई, तो मैं हो जाऊंगा। तो यहां बोला श्रीलेखा के भाई की इकलौती बहन, तो स्वयं श्रीलेखा ही होगी। श्रीलेखा के बारे में या अपने आप के बारे में, श्रीलेखा के भाई की इकलौती बहन, तो स्वयं श्रीलेखा ही होगी। बहन के पिता, तो बहन के पिता की बहन उससे, इसके पिता श्रीलेखा के भाई के पिता श्रीलेखा के पिता भी हो गया। और इसकी बहन, तो पिता की बहन कौन होती है, बुआ होती है। तो ये जो पिता की बहन होगी वो श्रीलेखा की कौन होगी, बुआ होगी। तब बोल रहा है क्या, जो बहन है उससे, मतलब श्रीलेखा से किस प्रकार संबंधित है, तो आंसर होगा बुआ। मतलब पिता के बहन श्रीलेखा से किस प्रकार संबंधित है, बुआ। तो बुआ ऑप्शन में अकेले नहीं दिया, चाची या बुआ दिया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 देख लो, एक बयान के बाद दो तर्क दिए गए। तो पहले बयान पढ़ लेते हैं, बहुत अधिक दर्दनाशक यकृत को प्रभावित करता है। आपको तर्क को हाँ या नहीं में जवाब देना है। बहुत अधिक दर्दनाशक, दर्दनाशक जो टैबलेट होता है ना, जो ज्यादा जैसे किसी को दर्द होगा तो बार बार वो दवा खा रहे हैं, तो इसका कहना है कि यकृत को प्रभावित करता है। अब पहला, हाँ सभी छोटे दर्दों के लिए हमें दर्दनाशक से दूर रहना चाहिए, सही बात है। बहुत सारे लोग होते हैं छोटा मोटा भी दर्द तो बार बार टैबलेट खाते हैं, खास करके एलोपैथिक दवाई जो अंदर में किडनी और यकृत के लिए बहुत मतलब की नुकसानदेह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला तो अभी तक मजबूत है, लेकिन दूसरा देख लीजिए, नहीं जब हमें टैबलेट को निगलने से आराम मिलता है तो दर्द क्यों सहन करें। तो बार बार टैबलेट निगलने से इंटरनली प्रॉब्लम होता है, प्रभाव पड़ता है यकृत पर, आपको किडनी पे, टोटल भी। तो यहाँ पे नुकसान हो सकता है इंटरनली, इसलिए दूसरा उतना मजबूत नहीं है, पहला मजबूत है। तो पहला मजबूत है, तो केवल तर्क एक मजबूत है, केवल तर्क एक मजबूत है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 देख लो, ये क्या बोल रहा है, प्रश्न आकृति ये ऐसे करके दिया गया है, ऐसे ये किसमें है। तो आप आकृति देख लीजिए किसमें सम्मिलित हो सकता है, बी में तो सीधे नहीं पता चल रहा है, सी में भी नहीं पता चल रहा है क्योंकि नीचे इस प्रकार से है ये, डी में, अब डी में थोड़ा सा आगे चल के है लेकिन लास्ट में नहीं है, तो निश्चित रूप से ए में है। आप ए को गौर से देखिएगा तो मिल जाएगा, अब जटिल थोड़ा फिगर है लेकिन मिलाइए, यहां से जो डबलिंग लाइन है वहां से यदि आप खींचेगा और यहां से कोना पर से मोड़ा है, उसके बाद में जो ये ऐसे किया है उसको लेके ऐसे मिलाइएगा, तो हूबहू ए में, ए को गौर से देखिए तो ए में ई वाला आकृति सम्मिलित किया जा सकता है, लेकिन आकृति ए है। अब ये दिया है ऑप्शन सी में, तो हम लोग का होगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, निम्न कथन और तर्कों को पढ़िए जो अनुसरण करते हैं, निर्णय करिए। और ज्यादा से ज्यादा तर्क वाला ही है, युवा उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब आप अपने आधार पर सोचिए कौन पॉजिटिव होगा। पहला, हाँ
यह देश के औद्योगिक विकास में मदद करता है, रोजगार बाजार का बोझ कम करता है। सही बात है, जितना ज्यादा से ज्यादा युवा उद्योगपति होंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे जो मजदूर हैं उनको काम मिलेंगे तो रोजगार बढ़ेगा उनको, और ये जो है देश के डेवलपमेंट में भी काम आएंगे। दूसरा है, तो पहला तो अभी तक सही हुआ है, दूसरा नहीं वे अनुभवी नहीं होते और नुकसान कर सकते हैं। तो जब ऐसा आप सोचिएगा, फिर तो कभी आप युवा को मौका ही नहीं दिया, तो उनके पास अनुभव कहां से हो जाएगा। तो इसके लिए ज्यादा तर्क मजबूत कौन है, एक है जो कि मजबूत है, तो यहाँ पे आंसर होगा केवल तर्क एक मजबूत है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 देख लो। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे से वही संबंध है जैसा कि दूसरा शब्द पहले से, ध्वनि कान। तो यहाँ पे जो है ध्वनि को सुनने के लिए, सुनने से संबंधित है। ध्वनि का संबंध किससे है, कान से। तो खुशबू का संबंध किससे है, तो खुशबू का संबंध है नाक से, क्योंकि खुशबू मतलब सूंघना, किससे, नाक से। तो नाक से ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 देख लीजिए, फिर से वही तर्क प्रश्न आपको, या एक प्रश्न है, सॉरी यहाँ प्रश्न वाला है, एक प्रश्न और दो कथन दिए गए। प्रश्नों के उत्तर के लिए कौन से कथन जरूरी है, पीछे हम लोग एक बनाए फिर चाहिए। प्रश्न क्या, राकेश विजय के साथ किस प्रकार संबंधित, राकेश का संबंध पूछ रहा है विजय के साथ, राकेश और विजय का संबंध पूछ रहा है, तो इसके लिए कौन सा जरूरी है। पहला देखते हैं, पहला राजेश, राजेश विजय से, राजेश है राकेश नहीं, राजेश है, राजेश विजय से किस प्रकार संबंध, राजेश विजय की सासू माँ का इकलौता बेटा है, तो राजेश विजय से किस प्रकार संबंध, तो राजेश विजय के सासू माँ का इकलौता बेटा है। तो निश्चित है सासू माँ का इकलौता बेटा मतलब साला हो गया, सासू माँ का इकलौता बेटा मतलब साला हो गया। पहला से ही पता चल गया कि राजेश और विजय में रिलेशन क्या है, साला का। बोल रहा बिना राजेश की इकलौती बहन है, इससे कैसे पता चला, बिना कौन है, इसका संबंध विजय से कुछ नहीं है, सिर्फ राजेश की इकलौती बहन बोला है। तो ये तो पहला से ही राजेश और विजय में रिलेशन पता चल गया, सासू माँ का इकलौता बेटा मतलब साला। तो यहाँ पे होना चाहिए आंकड़ा एक अकेला पर्याप्त है, आंकड़ा एक अकेला पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 देख लो फिर से, लेकिन यहाँ कथन और निष्कर्ष है, आपको पहले ही बता दें कि हुबहू एकदम कथन के आधार पर निष्कर्ष को छापना है। माता अपने बच्चे को कहती है पैदल पार पथ कुछ फीट की दूरी पर, मतलब माता कहीं जा रही है तो अपने बच्चे के साथ, तो बच्चे को बताना चाहिए कि पैदल पार पथ कुछ फीट की दूरी पर है, यह इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है। अब निष्कर्ष है, पैदल यात्रियों को सुरक्षा के लिए पैदल पार पथ का प्रयोग करना चाहिए। सही बात है, इसलिए वो अपने बच्चों को निर्देश दे रही है। पहला तो सही, दूसरा सभी बच्चे जानते हैं पैदल पार पथ क्या है, अब इसकी कोई गारंटी नहीं है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते भी होंगे कि क्या है, सिर्फ हो सकता है उसकी माँ उसका डायरेक्शन बता रही हो, और नहीं भी जान सकते हैं, ऐसा कुछ चर्चा नहीं किया। तो यहाँ पे हो जाएगा एक सही, यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 तो शब्दों से संबंधित है, चुंबकीय क्षेत्र और स्टैंड। चुंबकीय क्षेत्र का और स्टैंड जो है यूनिट होता है, इकाई होता है, ये फिजिक्स से संबंधित है, जानकारी रखना हो। तो उसी प्रकार से शक्ति का संबंध किससे है, तो शक्ति का इकाई वाट होता है, वाट होता है, शक्ति का इकाई वाट होता है, पढ़े हुए फिजिक्स, वाट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, कह रहा है क्या, 126 में बस दर्पण है इस प्रकार से, ये तो आप तुरंत बना दीजिएगा, ये देखिए इस प्रकार से है, यहाँ पर है तो बस उलट जाएगा, और क्या, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ हो जाएगा। अब मिला लीजिए इस प्रकार से कौन सा आकृति है, तो आकृति डी है, लेकिन आकृति डी किस में दिया गया है, नहीं डायरेक्ट डी ही दिया है, तो हम लोग का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम मैंने पहले ही बना दिया है, कुछ चारपाई सभी चारपाई होटल है और सभी होटल चादर है। अब देखिए ये बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ चारपाई चादर है तो सभी चारपाई चादर है, तो कुछ चारपाई चादर है ये गलत होगा। अब आप यदि सार्वजनिक पढ़े होंगे कहीं तो बोलिए नहीं सर सही है, क्योंकि जब सभी है तो कुछ वाला सही ही होता है, और मैं भी कहता हूं सही ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा कम से कम 200 क्वेश्चन पे मैंने सर्च किया जो रेलवे में पूछा गया है, वो इस बात को बोर्ड वाला आंसर गलत मानता है, जबकि सही होना चाहिए, एसएससी वाला सही मानता है, लेकिन रेलवे में सभी सभी में दिया हुआ उसको कुछ बोल रहा है तो गलत हो जाएगा। यहां सभी चारपाई चादर होने चाहिए तो कुछ चारपाई चादर वाला को गलत मानता है। दूसरा ये ध्यान रखना है आपको,
नहीं तो आप चेक करके देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन जितना मिलेगा, यदि आपने कभी एग्जाम दिया तो आंसर भी चेक करेगा ऐसा ही देगा। कह रहा है कुछ चादर चारपाई नहीं है, ये सही हो सकता है। देखिए कुछ चादर, सभी चारपाई चादर है लेकिन चादर ही पूरा है, तो चादर का कुछ भाग ही सब चारपाई नहीं है, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए आप, दूसरा वाला सही होगा, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। थोड़ा बेहतर ढंग से समझाने के लिए मैंने पहले ही सजा दिया है इसको, आप क्वेश्चन देख लीजिए, मैं पढ़ता हूं, मिलाइए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ऊपर कुछ दिया $3R H2A आगे इसी प्रकार से, यदि ऊपर दी गई श्रृंखला के दूसरे हिस्से को, दूसरे मतलब आधा हिस्सा को, दूसरे मतलब पहले वाला छोड़ के उधर वाला आधा हिस्सा को उल्टा कर दिया जाए तो नई श्रृंखला का इस्तेमाल करते लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। मैंने पहले ही उलट दिया है, देखिए आधा मैंने छोड़ दिया उसके बाद पहले ही उलट दिया है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, 22 बाईस है, तो मैंने शुरू वाला 11 गो के 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 11 छोड़ दिया और इतना को मैंने उलट दिया है शुरू यहां से एंड से। देख लीजिए आप क्वेश्चन मिलाइए, एंड एन बाई प्लस एक्स बी ऑब्लिक एल क्यू एट द रेट 1 ऐसा, तो मैंने इधर से लिख दिया उल्टा करके, यही तो बोल रहा है कि आधा हिस्सा को उलट दिया जाए ऊपर वाला सीरीज को, तो मैंने शुरू वाला को सीधा रहने दिया और उसके बाद क्या किया उल्टा कर दिया है, मतलब राइट से 1@QL(B)X+YN एंड लिख दिया है। अब इस सीरीज का बोला दी गई नई श्रृंखला, तो ये जो नया श्रृंखला बन गया इसका इस्तेमाल करते हुए लुप्त पदों को ज्ञात करें, यहां पर हम लोग को निकालना है, मतलब यहां अनुपात दिया यहां संपात, मतलब इसका संबंध इससे है उसी रूप में इसका संबंध इससे होना चाहिए। तो देखते हैं प्लस को ऑब्लिक लिखा है, अब ढूंढते हैं प्लस है कहां, प्लस यहां है, प्लस से ऑब्लिक दो स्थान बाएं है, दो बाएं कहां है, देखिए दो छोड़ के तीसरा पर है, तो देख लीजिए उसके बाद यहां पे प्रतिशत है, प्रतिशत प्रतिशत को डॉलर लिखा है, तो प्रतिशत से डॉलर, देखिए प्रतिशत है दो स्थान छोड़ के डॉलर है, इसको डॉलर पढ़ते हैं। यहां देखिए दो को तीन लिखा है, यहां दो है, दो से दो स्थान गैपिंग करके तीसरा पर तीन है, मतलब दो दो स्थान पीछे आके, तो इसी रिलेशन से हम लोग को बना लेना है। एट द रेट, तो एट द रेट में दो स्थान को गैपिंग करके छोड़ेंगे तो टी हो जाएगा, तो टी हो गया। उसके बाद बाई है, बाई को छोड़ के दो स्थान बैठ जाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का बाई को ये दोनों छोड़ के तो बी हो जाएगा, तो टी के बाद आ गया कौन, बी। बहुत पहला क्वेश्चन है, बस समझना था उलट के। उसके बाद डॉलर है, तो डॉलर के बाद दो स्थान पीछे छोड़ देंगे टू और ए को, तो फिर हाच आ जाएगा, यानी यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग का आंसर हो गया टी बी हच। ऑप्शन मिला ये टी बी हच दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी, 100% समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कुल भाषा में टर्न को TURN, टर्न को क्या लिखा है STQM, मतलब आप देख रहे हो टी 20 होता है, जब जब आता है मैं बोलता हूं कि ए टू जेड एकदम कोड कंठस्थ याद रहना चाहिए। टी बी, टी होता है 20, 20 से 19 एक कम गया, 21 से 20 एक कम गया, आर 18, क्यू एन 14, एम 13 एक एक कम गया, तो आप भी एक एक कम कर दो, एल आई एम पी लिख दो, एल 12 होता है तो एक कम करें, के आई 9 होता है एक कम करेंगे, 8 एच एम है तो हो जाएगा एल पी है तो हो जाएगा ओ, यानी के एच एल ओ, ऑप्शन से मिला के एच एल ओ है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, ये तो आपको फिगर देख के ही बना लेना है। करा दी गई आकृति में विषम चुने, तो आप आकृति को देखते ही आपको लग रहा होगा कि ये विषम है, बोले क्यों सर, बाकी जितना है मैं सभी में देखे विकर्ण तो है ही, लेकिन विकर्ण के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि जो डॉट है वो अपोजिट साइड है, एक तरफ इधर एक तरफ ऐसे है, तो आप देख रहे हैं कि सभी में एक तरफ इधर है एक तरफ इधर है, विकर्ण कैसे भी दिया रहे लेकिन अपोजिट है, लेकिन आप ए को देखिएगा तो मात्र इसी में है जो एक ही तरफ है ऐसे है, तो यही डिफरेंट होगा आकृति ए, और आकृति ए दिया गया है ऑप्शन सी में, यानी हम लोग का आंसर होगा आकृति ए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ब्लड रिलेशन का मजेदार क्वेश्चन। माथुर के मामा की बेटी का भाई सोमू है, तो माथुर के मामा के बेटी, तो मामा की बेटी मेरी बहन के भाई सोमू है, मतलब हम कह सकते हैं कि सोमू जो है ममेरा भाई हो गया, मामा के बेटी के भाई मतलब ममेरा भाई, ममेरा भाई हो गया कौन, सोमू, किसका, माथुर का,
तो बड़ा माथुर सोमू से कैसे संबंधित है? सोमू से, अब सोमू में से लग गया था, सोमू पूछता तो ममेरा भाई, तो ममेरा के कौची होता है फुफेरा, ममेरा को उल्टा क्या होता है फुफेरा, तो निश्चित है माथुर सोमू से कैसे संबंधित है, तो फुफेरा भाई है। तो यहाँ पे ऑप्शन सीधे दिया चचेरा ममेरा फुफेरा भाई बहन, तो एक्चुअल में हम लोग का आंसर यही होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, विषम आकृति चुनिए, तो चुन सकते हैं आप, देखिए सभी आपको देख रहे हैं ए बी सी डी, सभी में आप देखिए कि कोई ना कोई शीर्ष पर से एरो का निशान निकला है, लेकिन आप डी को देखिए, ये जो षष्ठभुज है इसमें भुजा पर से एरो निकल गया है जो कि सबसे डिफरेंट लग रहा है, और डी दिया भी ऑप्शन डी में ही, डी दिया है किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी, आकृति भी डी सबसे विषम है और ऑप्शन डी है, तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 देख लो, मजेदार है, 9 है, 11 है, 15 है, 17 है, फिर 21, 23, 1। अब बोला है क्या दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करो 9 2 11, 11 4, 15 15 2 17, 17 4 21, 21 2 23, तो 23 4 27, यानी पहले 2 बढ़ा फिर 4 बढ़ा फिर 2 बढ़ा फिर 4 बढ़ा, अंतिम भी 4 बढ़ेगा, हम लोग का आंसर होगा 27, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 देखो, जरा ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 134, निम्न शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख, मालवाहक गाड़ी ट्रक वेन, तो आप जानते हैं ट्रक से भी माल ढुलाई होता है और वेन छोटा वाला जो ट्रक रहता है उससे भी होता है, यानी दोनों मालवाहक गाड़ी है, तो दोनों इसके अंतर्गत आ जाएगा, मालवाहक, मालवाहक वाला वाला, इसमें ट्रक अलग होगा वेन अलग होगा, तो ये वाला आकृति जो बन रहा है वही हम लोग का आंसर होगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट हुआ है, आपको समझना पड़ेगा, इस प्रकार से एक फिगर दिया गया है, ठीक है ना, इसको ऐसे करके बनाया गया, आप इसको गौर से देखिएगा, तो बोला कि सर जी यदि इस प्रकार से एक ये मान लिया ये दूसरा मान लिया तो इसी को उलट के जोड़ दिया गया है, देखिए ऊपर के है तो उसको नीचे के करके ऐसे कर दिया गया है, और जो नीचे के है उसको ऊपर के करके ऐसे कर दिया, तभी इस फिगर का निर्माण हो सकता है, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। तो दूसरा में जो दिया गया है या तो आपको ये जो दिया हुआ है वो उलटना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, ये ऐसे दिया हुआ है, जबकि ऐसे होगा तो कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला को उल्टेंगे तो ऐसे होगा, और जब नीचे वाला को हम उल्टेंगे यानी कि नीचे वाला को उल्टेंगे तो ऊपर का है तो ये ऐसे हो जाएगा, तो एक्चुअल में हम लोग का आंसर ये होना चाहिए, जबकि ये आंसर नहीं दिया, आंसर में ए दिया है, ए दिया है आंसर, तो इसके लिए ये जो दिया गया दूसरा भाग है उसको ऐसे होना चाहिए था, इस प्रकार से होना चाहिए था, ये इस प्रकार से एक ऐसे होना चाहिए और एक ऐसे होना चाहिए, ये दोनों ऐसे जिसको बोल सकते हैं आप, ऐसे होना चाहिए, दोनों सेम ही रहेगा इस प्रकार से, तभी हम इसको उल्टेंगे तो एक ऐसे हो जाएगा और एक नीचे से आके ऐसे जुट जाएगा, तब इसका निर्माण होगा, तब जाके होगा आकृति ए, और आकृति ए ऑप्शन ए में दिया हुआ, तो या तो आप आंसर सुधारो क्योंकि जैसे ही उल्टा है उसी तरीका से हम दूसरा उल्टेंगे, या तो फिर आप क्वेश्चन ही सुधार लो तब जाके हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैं पूरा प्रयास करूं तो जो गलत हो उसे सुधारे, तो हम लोग का होगा ऑप्शन ए, जब सुधारेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136 जरा ध्यान देना, लिखा हुआ कुछ संख्या मैं भी लिख देता हूं, 6, 66, 85, 53, 73 आपको भी दिख ही रहा है, फिर 72 है, फिर 58 है, फिर 87 है, फिर 81 है, फिर 55 है, 3 है, यही इसका उपयोग करके वह संख्या ज्ञात करें जो समूह से संबंधित नहीं है, तो पहला 83, तो 83 तो लगता है, देखिए दो 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 अंक छोड़ के ले लिया है 83, यहां देख लीजिए 35, यदि इसी आधार पर देखा जाए तो 35, यहां भी दो अंक छोड़ के यहां यहां एक छोड़ के फिर 35, उसके बाद कह रहा है 27, तो 27 तो इस प्रकार से बन नहीं रहा है, वैसे भी दो है लेकिन जिस जिस नियम से ही बन रहा है नहीं बन रहा है, आए गो है 81, तो 81 8 है, दो को छोड़ देते हैं, तो ये देखिए एक को छोड़ के देखिए 8 और 3, उसके बाद एक को छोड़ के फिर 3, दो को कैपिंग करके पार, फिर एक को छोड़ के 8 और 1, बाकी 27 इस रूप में नहीं बन रहा, यहाँ पर 81 बन रहा, तो ये और ये तो शामिल है, ये बोला कौन नहीं होगा,
तो 27 नहीं बन रहा है जो कि सीरीज में दिया हुआ है, क्योंकि 27 रन के लिए यहां दो लेंगे तो कई छोड़ना पड़ेगा, 1-2-3 अंक छोड़ना पड़ेगा, जबकि 2-2 अंक ही छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का बोलवासा की बात करें जो समूह से संबंधित मतलब एक निश्चित नियम से संबंधित है तो वो होगा 27, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 है, से कथा निष्कर्ष साइलोलॉजी वाला। सभी हंस तोते हैं, जितने भी हंस हैं सब क्या है, तोते हैं। चलो भाई, हंस को तोता बना दिया, कोई भी तोता कोयल नहीं है, समझ जाइए कोयल अलग है, कोई भी तोता कोयल नहीं है। जब तोता कोयल नहीं है तो हंस भी नहीं होगा, तो पहला आदमी कोई भी हंस कोयल नहीं है तब तो सही हो जाएगा, जब तोता ही कोयल नहीं है तो हंस कहां से कोयल होगा, पहला सही। दूसरा, सभी तोते हंस हैं। अब सभी तो जब बोल रहा है कि कोई भी तोता हंस नहीं है तो सभी तोते हंस कैसे हो सकता है, तो दूसरा गलत। तो यहाँ पे होना चाहिए केवल पहला सही, यानी केवल निष्कर्ष ए का अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 फिगर देखो और बनाओ, क्या बोल रहा है। इस आकृति को जब इसे बिंदुवार ढंग से मोड़ दिया जाए तो ये आकृति क्या हो जाएगा, फिर देखिए ना, सिंपल तरीका है भाई, आपको फिगर देख ही रहा है, ये बिंदुदार तरीका दिया हुआ है, यहाँ पर दो है ये तो रहेगा ही, ठीक है ना, ये वाला जो त्रिभुज है यहाँ पे इस प्रकार से करके बना हुआ, बस इसको जब बिंदुदार जगह से मोड़े तो ये वाला भाग इधर आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि जो नया आकृति बनेगा बिंदुदार से मोड़ के वो इधर आके बन जाएगा, यानी कि यहां से तो मुड़ ही जाएगा, यहां से मुड़ जाएगा, तो ये वाला भाग तो रहेगा ही, लेकिन ये वाला जो त्रिभुज है इधर आ जाएगा। इधर आने का मतलब है कि इसी भाग से जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन ऐसे करके जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, और ये वाला भाग जो यहाँ पर था वो भी इधर आ जाएगा ऐसे करके, इसी को कर सकते हैं। तो ये आप ऑप्शन से मिला लीजिए, ये आपका मिल रहा है आकृति ए से, और आकृति ए भी दिया हुआ है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 तो आप खुद ही बना दोगे, 5 है जी है, 5G, 6H, 7I, 8J, वाट, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि भाट के जगह पे 9 होगा, उसके बाद जी 7 है, 1, 8, 8, 8, 9 होता है, 9, 10, 10, 11, यानी कि 9K होना चाहिए, ऑप्शन से मिला सकते हैं आप, 9K है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 देख लो, एक कथन के बाद तर्क दिए गए, चलो फिर से आ गया मजेदार कथन तर्क, क्या पारदर्शी कपड़ों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, पारदर्शी कपड़े जो फैशन के लिए चल गया उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, अब आप अपना तर्क दीजिए अपने देश के कानून के अनुसार। हाँ, यह लोगों को परेशान करता है और कुरीति उत्पन्न करता है, हाँ यह लोगों को परेशान करता है, कुरीति उत्पन्न करता है, यह आपकी मन की भावना पर निर्भर करता है, वैसे कुरीति का इससे कोई संबंध नहीं है, पारदर्शी कपड़ा का आपके मन का भावना पर निर्भर करता है। दूसरा कह रहा है ये तो पहला तो अभी तक नहीं पता चला, लेकिन दूसरा पढ़े तब पता चले कौन सकते, नहीं, उनकी पसंद के कपड़े पहनना उनकी व्यक्तिगत का मौलिक अधिकार है। अब आप जान रहे हैं आपके देश में मौलिक अधिकार क्या क्या है, किसी भी प्रकार के कपड़े पहन सकता है, कोई भी खाना खा सकता है, तो जो ये सबसे मजबूत है इसके सामने ये पहला वाला है जो नहीं टिक पाएगा आपके देश के कानून के अनुसार। यदि कोई अलग से राजतंत्र है वो जो चाहेगा वही होगा वो अलग, लेकिन संवैधानिक के अनुसार ये जो है आपका मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, तो ये ज्यादा शक्तिशाली है, यानी हम लोग का होगा 2, केवल तर्क 2 मजबूत है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141 देख लो, 141 कह रहे आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, पहचान है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन आवश्यक है या पर्याप्त है, चमेली का रंग क्या है। तो पहले तो आपको जनरली रूप से जानना पड़ेगा कि चमेली जो पुष्प होता है उसका रंग क्या होता है, चमेली रंग क्या है, चमेली का रंग क्या है ये जानना पड़ेगा, तो पीला होता है इसका रंग। तो अभी पता लगाइए कि पीला होने के लिए क्या कौन सा कथन में मतलब पीला का वर्णन किया गया है। तो जिसके बारे में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कोडिंग डिकोडिंग में ही पढ़ना है कि लाल को हरा कहा जाए, हरा को नीला कहा जाए, ऐसा आप पढ़े होंगे, तो उसके लिए जिसके बारे में पूछ रहा है जैसे हल्दी के बारे में पूछा तो हल्दी पीला होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ चमेली का रंग भी पीला होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो कथन पहला है नीले को सफेद कहा जाए, सफेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, तो लाल को पीला कहा जाए ये पता है, लेकिन पीला को क्या कहा जाएगा ये पता नहीं है, तो चमेली को क्या कहेंगे वो नहीं कर पाएगा, जो पीला को कहेंगे वही चमेली को कहेंगे, तो पहला तो अपर्याप्त हो गया।
दूसरा पीले को बैगनी कहा जाए, पहले में लिख दिया पीले को बैगनी कहा जाए यानी चमेली का अर्थ बैगनी हो जाएगा है, क्योंकि पीला को बैगनी कहा जा रहा है तो यहाँ पे दूसरा वाला से पर्याप्त है। तो यहाँ कह रहा है क्या, केवल दो पर्याप्त है, आंसर होगा केवल दो पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142 ब्लड रिलेशन, राजा राम के बेटे की बहन, तो राजा राम के बेटे की बहन राजा राम के बेटी हो गया की माँ, तो राजा राम के बेटे के बहन की माँ राजा राम की पत्नी हो गई, एकदम तोड़ के पड़े ना, रमनी रमनी है मतलब रमनी हो गई, तो रमनी राजा राम से कैसे संबंधित, तो पत्नी हो गया आंसर राजा राम। यहां तो कुछ लिखने की जरूरत, राजा राम के बेटे की बहन की माँ रमनी है, रमनी है जो माँ है, तो इसका माँ है तो इसका भी माँ होगा, तो निश्चित है इसका बेटा के माँ इसका पत्नी, मतलब ये पत्नी हो गई और ये पति। लेकिन मैं इसको समझाता हूँ, बहुत वीवीआई पॉइंट है, हो सकता है ऑप्शन है पति पत्नी दोनों थे, ये तो आपका किस्मत अच्छा है कि मान लीजिए सिर्फ पत्नी थी, आप मान लीजिएगा पति पत्नी दोनों थे तब क्या मान लीजिए, तो आपको हम बताए थे पिछला वीडियो में भी कि जिसमें से लगा रहे उसका रिलेशन आंसर नहीं होगा। हम बोल रहा है रमनी राजा राम से कैसे समझते, राजा राम में से लग गया तो राजा राम पति है तो आंसर पति नहीं होगा, रमनी वाला आंसर हो जाएगा यानी हम लोग का आंसर होगा पत्नी। ये ध्यान रखना जिसमें से लग रहे है, वो रिलेशन आंसर नहीं होता है, क्लियर है, तो पत्नी हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143 जरा ध्यान दीजिए, ये तो आपको आंसर मार देना है। यहाँ आप देख रहे हैं वर्ग है और एक अंदर में छोटा सा वर्ग है, दूसरा वाला इससे जो बना है बाहर कर दिया है छोटा वाला को, बस सिर्फ लाइनिंग कर दिया है, उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। तो बोले सर इसको क्या है, छोटा वाला को बाहर करेंगे, सिंगल वाला को बाहर निकालेंगे और छोटा को बाहर करेंगे और लाइनिंग कर देंगे, तो ये तो फिर एक ही आकृति में है, आकृति डी में, लेकिन आकृति डी है कहां, सी में, तो आकृति डी होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, नीचे दिए गए चार सब जीनस तीन एक जैसे और एक भिन्न विषम को, कार्डिगन मेज कुर्सी अलमारी, तो देख लीजिए मेज कुर्सी अलमारी फर्नीचर का ही एक भाग है, कार्डिगन डिफरेंट हो जाता है, अब कोई जरूरी नहीं है, आप ज्यादा क्वेश्चन आपके नजरों से गुजरा तक तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी ऐसा शब्द देगा जिसका आप अर्थ नहीं जानोगे तो वहां छापना मुश्किल हो जाएगा, तो ये तो जान रहे कि तीनों एक तरीका से सेम है, फर्नीचर का एक भाग है, तभी तो नहीं होता निगार तो छट जाएगा, आपका हो जाएगा आंसर ए, ऑप्शन मिला सकते हैं आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 जरा ध्यान दो, कूट भाषा में वर्ण को VURN वर्ण को क्या लिखा है, YFIME, तो लगता उल्टा लिख दिया है, बी का अपोजिट वाई होता है, यू का एफ होता है, आर का आई होता है, एन का एम, आप कोडिंग कोडिंग पढ़े होंगे, याद होगा अपोजिट जोड़ के 27 होना चाहिए दोनों का कोड, तो ऊंट का लिख रहा वाई ओ यू एन डी, तो डब्ल्यू का उल्टा डी होता है, ओ के उल्टा एल होता है, एल ओ लो लो, यू का उल्टा एफ होता है फू, एन का उल्टा एम होता है, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, डी एल एफ एम डब्ल्यू, डी एल एफ एम डब्ल्यू है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146 फिगर से छाड़ दो, पहला फिगर में एक कोना से एक लाइन खींचा गया है, दूसरा फिगर जाते हैं तो दो कोना में दो लाइन खींचा उसके अपोजिट, तो तीसरा चौथा रिलेटेड होगा, तो तीसरा में दो लाइन खींचा हुआ है तो निश्चित है चौथा एक बार जाएगा, जैसे पहला दूसरा तीसरा का संबंध चौथा से, तो पहला में दूसरा में गया है तो एक बढ़ गया है, तो इससे इसमें भी जाएगा तो एक बढ़ जाएगा, यहाँ एक लाइन था तो यहाँ दो लाइन हो गया, यहाँ दो लाइन है तो यहाँ तीन लाइन हो जाएगा, तो देखिए तीन लाइन वाला आपका एक ही ऑप्शन है, आकृति ए है, इस प्रकार से बना हुआ है जो भी है, इस प्रकार से ये तीन लाइन वाला ऐसे करके आकृति ए है, और आकृति ए दिया हुआ है ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, आकृति ए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, कुछ नहीं करना सिर्फ चिन्ह बदलना है आपको, बनाना है, मैं लिख देता हूं 27 है भागा है 15 है भागा सॉरी माइनस है, चलो माइनस 36 है प्लस 6 है, सिर्फ आपको चिन्ह बदलना है, प्लस अर्थात भागा, जहां पर प्लस है भागा दे दो, 6 है 36 सजा लेंगे, उसके बाद बोल रहा है माइनस अर्थात प्लस, प्लस यहाँ 15 हो गया, गुना अर्थात माइनस, तो गुना का तो चर्चा ही नहीं किया इसमें,
भागा अर्थात गुना, भागा को गुना कर देंगे 27। अब हम सभी जानते हैं कैलकुलेशन का नियम, पहले भाग उसके बाद गुना, तो भाग 6 6 36, उसके बाद इसको गुना करेंगे 15 7 105 के 5 बचा 10, 15 2 30 और 10 40, 405, 405 आई प्लस में 6, 405 और 6 जोड़ेंगे तो 411 आएगा। ऑप्शन से मिला सकते हैं, हम लोग का आंसर आ रहा है 411, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर बना दिया हूं, ये क्वेश्चन तो आप देख लीजिए 148 नंबर, ध्यान दीजिए त्रिभुज गिनना है, कितने त्रिकोण है, ये सब भी आप गिनते रहिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये सब क्वेश्चन होगा इसमें जितना त्रिभुज आयत गिनने वाला आएगा ना, टोटल 2700 में भी है, उसका सॉल्यूशन पूरा करवाए हैं मैथ वाला। तो यहाँ भी देख लीजिए आप, ऐसे सिंपल है, गिन दीजिए 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे हो गया और एक एक बड़ा बड़ा है 9, और इसके अलावा इसमें कोई भी त्रिभुज नहीं है, त्रिभुजों की संख्या 9, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 मिरर वाला है, ये तो आपसे बन ही जाएगा इस प्रकार से है आपका, तो इस प्रकार से ये है, यही आपका फिगर है, जो भी लाइनिंग पड़ा हुआ है बस इतना ही समझिए आप। ये देखिए मैंने दर्पण है तो बनेगा कैसे, तो आपको पता है कि उल्टा बन जाएगा, ये देखिए इस प्रकार से हो जाएगा आपका, इस प्रकार से ये देखिए यही हो जाएगा। मिला सकते हैं आप अपने ऑप्शन से, मिलाइए कि ये वाला जो फिगर है इधर का बनेगा, इधर का, क्योंकि समतल दर्पण जब आप मिरर देखते होंगे तो लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट हो जाता है, तो ये वाला जो फिगर बना हुआ है कहाँ बना हुआ है, तो एक ही ऑप्शन है ऑप्शन ए, आकृति सी है, आकृति सी है, और सी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, डी में, तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग का आंसर आकृति सी और ऑप्शन के अनुसार आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 और आज का लास्ट क्वेश्चन, एक कथन के बाद दो तर्क एक और दो दिए गए हैं, निर्णय करें कि कथन के संबंध में, पहला क्या ग्लोबल वार्मिंग असली खतरा है, क्या ग्लोबल वार्मिंग असली खतरा है, इस पर आपको तर्क करना है। पहला तर्क, हाँ यह एक खतरा है जिसके परिणाम स्वरूप समुद्री तल से वृद्धि, अत्यधिक गर्मी, जंगली आग के खतरे और सूखे और अन्य जल आपूर्ति के मुद्दे होते हैं, एकदम राइट है। आप देख रहे थे अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगने से करोड़ों जानवर मर गए, कहीं पूरा तूफान आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं सुनामी आ रहा है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ही कारण है। हालांकि अभी तो लॉकडाउन में प्रकृति का सुरक्षा बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत ही सुधार हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे घट ही रहा है, इसका एक फायदा भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पहला अभी तक तो मजबूत है, लेकिन अब दूसरा तर्क पढ़िए, नहीं ग्लोबल वार्मिंग कुछ लोगों द्वारा बनाई गई गलत धारणा है, एकदम गलत है, दूसरा गलत है, ये धारणा है या असलियत है जिसके कारण ग्लेशियर भी पिघल रहा है, बार बार वैज्ञानिक आप देखते हुए चेतावनी देते रहता है कि ग्लोबल वार्मिंग को बचाया जाए, प्लास्टिक को बैन किया जाए, तो ये भी बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाए गए हैं, तो यहाँ पे पहला तर्क बहुत मजबूत है, तो हम लोग का आंसर होगा केवल तर्क एक मजबूत है, ऑप्शन नंबर सी। आपने देखा कम से कम समय में, चूंकि समय तो कुछ क्वेश्चन में समझाने में आपको लगता है, आपको समय देना अभी तो भरपूर समय आपके पास मिल रहा है, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, अच्छा लगे तो कम से कम 10 मित्रों को तो जरूर शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार से अब डेली रीजनिंग का आपको एक क्लास अवेलेबल होगा, 3200 भी साथ में चल रहा है, एडवांस में भी चल रहा है और भी कोर्स जारी है। वीडियो तक देखे नए विद्यार्थियों तो आप लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको जैसे ही यहाँ वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन पहुंचता है और उसका आप लाभ उठाते हैं। धन्यवाद।